हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं YT सपोर्ट YouTube चैनल को और अपनी चल रही वेबसाइट की सीरीज। ये तीसरी वीडियो है यानी कि पार्ट थर्ड है, जिसमें मैं आपको बेसिक सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे ये यूजर फ्रेंडली और आपके लिए भी बहुत अच्छी सेटिंग रह सके। और फिर आज ये बेसिक सेटिंग के बारे में, और फिर आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा कि एडवांस सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि SEO फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखनी है आपको, जिससे आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाए वेबसाइट की और आपकी पोस्ट रैंक कर सके। ठीक है, तो अपन ने पार्ट वन और पार्ट टू में थीम सेटअप करना सीखा और थीम को एडिट करना सीखा है। तो आज अपन बेसिक सेटिंग सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें YT सपोर्ट YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, ये अपनी वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ तक अपन ने पार्ट वन और पार्ट टू में सीख लिया था कि यहाँ तक कैसे बनाना है। तो अब अपन आगे चलते हैं। तो अपन को ब्लॉग स्पॉट पर लॉग इन कर लेना, उसका डैशबोर्ड खोल लेना है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे अपन आ चुके हैं अपने ब्लॉग पे। अब अपन को चलना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर अपन को बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिख जाएंगे, उसके अंदर आपको बेसिक सबसे ऊपर ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन है, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं पहले वाले से या आपने अभी तक डाला नहीं, तो आप यहाँ से डाल भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, वो आप चेंज करिए या वही रहने दीजिए। तो अब अपन को प्राइवेसी देख सकते हैं, तो प्राइवेसी पे आपको एक बार चेक कर लेना दोनों यस है ना, क्योंकि दोनों यस होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों यस नहीं है तो आपका गूगल पे आपका वेबसाइट ढूंढ नहीं पाएगा, गूगल आपका वेबसाइट ढूंढ नहीं पाएगा जब भी कोई सर्च करेगा। और HTTPS को आपको यस कर देना है, क्योंकि इससे अपनी वेबसाइट और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि अपना एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, अपन अर्निंग जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो ठीक है, अपने वेबसाइट पे इसकी वजह से ऐड अच्छी तरीके से शो पाएंगे और कई ब्राउज़र के अंदर अपनी वेबसाइट भी सपोर्ट करेगी, तो आपको इसको यस कर देना है। फिर अपन को यहाँ का अपना बेसिक का तो हो गया है, अब अपन को दूसरा ऑप्शन पे चलना है, जो कि है पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग का ऑप्शन। तो ठीक है, अब चलते हैं पोस्ट कमेंट शेयरिंग के ऑप्शन पर। तो अपन ने पोस्ट कमेंट शेयरिंग का ऑप्शन खोल लिया, तो सबसे पहले कि अपन एक पेज पर कितने आर्टिकल चाहते हैं, तो आप 5 से 7 के बीच में रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दो, जितने ज़्यादा आप रखेंगे उतने जल्दी यानी उतनी ही धीरे आपकी वेबसाइट लोड होगी, तो आपको सही रखना। तो मैंने यहाँ पे 5 छोड़ दिया है। तो अपन का फिर अगला ऑप्शन है इसके अंदर कि अपनी वेबसाइट पर कौन कमेंट कर सकता है। तो इसमें 3 ऑप्शन है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला है कि कोई भी कमेंट कर सकता है बिना लॉगिन करे, और दूसरा है कि अगर किसी ने अपनी जीमेल आईडी लॉगिन कर रखी है तो वही अपनी जीमेल आईडी से कमेंट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे जीमेल वाली पे छोड़ देता हूँ, जिससे अपना पता रहे कि अपने कोई फेक कमेंट तो नहीं कर रहा। तो अपन को यहाँ पे रख देना है जीमेल आईडी पे। तो कमेंट मॉडरेशन यानी इसमें अपन जो भी कमेंट करेगा वो कमेंट वेबसाइट पर आने से पहले अपने को ही दिखेगा, और अपन चाहें तो उसको अप्रूव कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को अपनी वेबसाइट के लिए अपनी जो ईमेल आईडी है वो अपन को लॉगिन कर देनी है। जब भी कोई कमेंट करेगा तो उस ईमेल आईडी पे एक मेल आ जाएगा और ब्लॉग के अंदर भी शो कर जाएगा कि इस बंदे ने ये वाला कमेंट कर रहा है, तो आप क्या चाहते हैं, इसको अप्रूव करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। तो अपने अप्रूव करने के बाद ही वो उसका कमेंट अपनी वेबसाइट पर दिखेगा। तो आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं, नहीं तो इसको नेवर भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कमेंट करो वो वेबसाइट पर आ ही जाएगा। ठीक है, या हार्मफुल कमेंट पे समटाइम्स कर दे, यानी कोई बैड वर्ड यूज़ कर रहा है तो समटाइम्स जो भी बैड वर्ड यूज़ करेगा अपने पास आ जाएगा। तो अगर आप, और अगला है कि अपन शेयर करना चाहते हैं गूगल प्लस की आईडी पे अपनी, तो अपन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्योंकि गूगल प्लस इतना कोई चलाता नहीं है। तो अपन यहाँ पर सेव कर देते हैं। अब तीसरा ऑप्शन आता है सेटिंग के अंदर ही अपना ईमेल का। तो ठीक है, अब ईमेल के ऑप्शन में अपन देख लेते हैं क्या है काम का और क्या नहीं है काम का। तो अपन का ईमेल ऑप्शन एक बार खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ईमेल ऑप्शन खोल लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें, इसको अपन को कुछ भी नहीं करना है, अपन को नेक्स्ट ऑप्शन पे रखना है चलना है, और ईमेल बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो अपना नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज का, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब भी अपनी कोई डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़र अपनी वेबसाइट खोले तो गूगल खुद ब खुद उसके लिए ट्रांसलेट कर देगा। जैसे अपन को यहाँ पर सेटिंग रखनी है अपनी, अगर इंग्लिश की वेबसाइट है, वेबसाइट अपन इंग्लिश में लैंग्वेज में है तो अपन को हिंदी में कर देनी है ट्रांसलेट। अगर अपन हिंदी के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कोई से भी भाषा यूज़ कर रहे हैं, कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, गुजराती मराठी कोई सी भी, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, उसको इंग्लिश में कर देना है, यानी इसका वॉइस वर्सा कर देना है। और अगला ऑप्शन है सर्च प्रेफरेंस, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है। इसके अंदर अपने मीटर टैक्स डिस्क्रिप्शन के बारे में ऊपर आप देख सकते हैं मीटर टैक्स डिस्क्रिप्शन, इसमें अपन को वो डिस्क्राइब करना है जिस बारे में अपनी वेबसाइट है,
जो भी आपकी वेबसाइट में कवर हो रहा है, जो भी आप चीज़ें कवर कर रहे हैं, जो जो आप वेबसाइट में डाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपन को एक 150 कैरेक्टर के अंदर अंदर यहाँ पे डाल देना है। इससे अब मीटर टैग डिस्क्रिप्शन डालने से क्या होता है, इससे यार जब भी कोई यूज़र सर्च करता है किसी टॉपिक के बारे में और अपनी वेबसाइट अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो गूगल दोनों को मैच करता है, अपने मीटर टैग डिस्क्रिप्शन को और उस यूज़र के सर्च को, और दिखा देता है अपनी वेबसाइट। तो अब ये अपना डालना ज़रूरी होता है और सही से डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अपनी वेबसाइट सर्च करने में और रैंकिंग कराने में बहुत ही मदद करता है। तो आपको ये सही से ही डालना है, और अगर अपने रैंकिंग अच्छी होगी, अपने ज़्यादा लोग आएंगे, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, अपने पैसे भी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान से कर देना है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है, इससे भी बढ़िया आज आपको आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग डाल देना। मैंने आपको दिखाने के लिए ये बस ऐसे एग्जाम्पल दिया है। तो ये अपने यहाँ पर सर्च प्रेफरेंस का हो गया, और बाकी के जो नीचे ऑप्शन देख रहे हैं वो अपन सीखेंगे एडवांस सेटिंग के अंदर। तो अपनी बेसिक सेटिंग अभी चल रही है जिसमें अपन ने यही सीखा है, तो अपन चलते हैं अगले ऑप्शन की साइड, जो कि अदर। इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, ये आपको बस ऐसे छोड़ देना है, और फिर उसके नीचे है यूज़र सेटिंग्स। तो यूज़र सेटिंग के अंदर देख लेते हैं अपन, जो यूज़र सेटिंग के अंदर है अपने बारे में, यानी जो भी अगर आप चाहते हैं अपने बारे में बताना लोगों को, जो जो आपकी वेबसाइट पर विजिट करे उसको अपने बारे में बताना चाहते हैं, यानी कि इसका एडमिन कौन है वेबसाइट का और वो क्या करता है, अपनी खुद के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपने काम में आएगा। तो आपको सीधे से एडिट पे क्लिक करना है, और जो जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं उनको आपको बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग उसको फिल कर देना है, जिससे अगर कोई यूज़र आपसे विजिट करना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है, तो वो आराम से एडमिन ब्लॉक पे क्रिएट एडमिन ऑप्शन पे क्लिक करके उसको देख सकता है एडमिन के बारे में। तो यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। जब आपके बारे में पूरा इनपुट कर दे इसके अंदर, तो आपको उसको सेव कर देना है। तो आज अपन ने इस वीडियो में क्या सीखा, अपन ने सीखा है कि अपन बेसिक सेटिंग कैसे करें जिससे अपने यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बन सकें। तो आज की अपनी इतनी वीडियो थी, तो अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसपे अपन पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे SEO फ्रेंडली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और समझ में आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और वेबसाइट की सीरीज़ को फॉलो करती रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।